नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। भारत और जापान के बीच दोस्ती की नई रफ्तार। एटमी डील के बाद जापान की हाई स्पीड बुलेट ट्रेन में की पीएम मोदी ने सवारी। पीएम शिंजो अबे के साथ टोक्यो से कोबे तक यात्रा। जापान के मियागी प्रांत में 5.8 तीव्रता का भूकंप। तोहोकू रेल सेवा हुई बाधित। विश्व में सबसे ज्यादा सक्रिय भूकंपीय क्षेत्रों में आता है जापान। डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में लगातार चौथे दिन भी सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। मियामी, वॉशिंगटन, लॉस एंजलिस समेत कई जगहों पर निकाली रैलियां। 1,500 से भी ज्यादा लोगों ने हाथों में प्ले कार्ड लेकर ट्रंप के खिलाफ की नारेबाजी। मोसुल में इराकी सेना और आईएस के बीच छिड़ी जंग जारी। जंग में पीछे हटते आईएस आतंकियों ने लोगों का किया भीषण नरसंहार। संयुक्त राष्ट्र ने की पुष्टि। चीन ने अंतरिक्ष में भेजा मौसम संबंधी उपग्रह यूनेवन। शंघाई अकादमी ऑफ स्पेस फ्लाइट टेक्नोलॉजी ने किया है डिजाइन। वायुमंडलीय पर्यवेक्षण, समुद्री और आपदा बचाव के लिए किया जाएगा इसका इस्तेमाल। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।